इनकी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छे काम होता है, आयशा वेलफेयर का बहुत अच्छा प्यार किया है और ऐसे हैदराबाद में प्रोग्राम होने चाहिए। तो ये कहना चाहती हूँ प्लीज अपनी दुकान से अपने घर से जो वली में का मेकअप था, बारात का मेकअप था, मुझे दिया है, फिर भी आपको लगता है तो आयशा वेलफेयर पे आपका कर्जा है। तो हमारे साथ ताबुन करते हैं, हमारे सपोर्टर है, हमने उनको अप्रिशिएट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिद्दीक अली राणा और आप देख रहे हैं ऐसे भी पाकिस्तान। हर साल की तरह इस साल भी आयशा वेलफेयर की जानिब से अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम किया जा रहा है, कंप्लीट आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है, मुझे आयशा वेलफेयर के टीचर ने तैयार किया। उन्होंने बहुत अच्छा तैयार किया और ऐसे हैदराबाद में प्रोग्राम होने चाहिए आयशा वेलफेयर। मेरा नाम महान है और मुझे मिस्टर शेरोज ने तैयार किया पीजे ब्यूटी सैलून से, और आज का ये फंक्शन आयशा वेलफेयर की तरफ से है, तो आज बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, और इस फंक्शन की वजह से सब लड़कियों ने अपना अपना हुनर दिखा सकते, तो मेरे ख्याल से इस तरह के फंक्शन हैदराबाद में होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुइना रेहान फ्रॉम मुइना सैलून हैदराबाद, और आज मैं आयशा वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन के हुए हुए प्रोग्राम में आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर वो स्टूडेंट जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता आयशा वेलफेयर की तरफ से, उनको एक इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपना मेकअप को यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकें। मेहंदी का था, वलीमे का मेकअप था, बारात का मेकअप था, मुझे बच्चियों के सारे जितने भी वर्क हैं वो देख के बहुत खुशी हुई। जैसा भी किया उन्होंने अपनी मर्जी से, लेकिन बहुत अच्छी एफर्ट्स दिखाई। इसी तरह लोग आगे जाते हैं और इसी तरह लिंक्स बनते हैं। जब इस तरह के छोटे प्लेटफॉर्म से हम काम करते हैं तो हमें बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को सिखाया जाता है, तो जिनकी कोई रेंज नहीं होती वो यहाँ आके सीख सकती हैं और फिर इसी तरह आगे जा भी सकती हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा वेलफेयर की स्टूडेंट, माशाल्लाह मुझे यहाँ 3 साल हो गए। यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, ब्यूटिशियन सीखा है, मेहंदी का काम सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छे काम होता है, आयशा वेलफेयर का बहुत साथ दीजिए। यहाँ हर माह राशन बढ़ता है, रोज़गार दिया जाता है और बहुत से मतलब अच्छे काम किए जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है आयशा वेलफेयर का खूब 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 साथ दें और हमारे साथ अप्रिशिएट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आरफा, मैं आयशा वेलफेयर की इंचार्ज सेंटर की। मैं आप हैदराबाद की पब्लिक को ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी दुकान से, अपने घर से जो भी फंड्स निकालते हैं, देखिए ये एक NGO है, ये गरीबों की मदद करता है, और ये जो हमारा सेंटर चल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। प्लीज़ आप लोग अपने घर से सदका खैरात डोनेशन जो भी निकालते हैं प्लीज़ आप आयशा वेलफेयर का साथ दें, और ताकि ये आगे कामयाबी की तरह चलती रहे। देखो मैं आयशा वेलफेयर का प्रेसिडेंट उबैदुल्ला कुरैशी, आयशा वेलफेयर की तरफ से हर सालाना 3रा अवार्ड
सेरेमनी की गई है, जिसमें जो है हमारे पास जो बच्चियां काम सीखती हैं उनको सर्टिफिकेट सेरेमनी है, और जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं और जो हमारे साथ ताउन करते हैं, हमारे सपोर्टर हैं, हमने उनको अप्रिशिएट किया है, और हम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं इसमें, इस प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम में आए उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से, वो हमारे प्रोग्राम में आए, और जो लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और जो ताउन करना चाहते हैं वो हमारे से रابطہ करें, आयशा वेलफेयर बहुत अच्छा काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप आयशा वेलफेयर का काम देख रहे हैं, आयशा वेलफेयर 6 साल से इसको रन कर रही है। अब आपसे रिक्वेस्ट करती है, बाजारों में जाती है, कोई 50 की पर्ची कटवाता है, कोई 100 की पर्ची कटवाता है, फिर भी आयशा वेलफेयर भरपूर तरीके से इस काम को सर अंजाम दे रही है। आप देखें, चाहे सैलाब जदगान हो, चाहे कोरोना वायरस आया हो, चाहे किसी बच्ची की शादी का काम हो, किसी को रोजगार फराहम करना हो, किसी को राशन फराहम करना हो, या ऐसी हुनरमंद बच्चियों को हुनरमंद करना हो, इन सब में आयशा वेलफेयर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो प्लीज आयशा वेलफेयर का भरपूर तरीके से साथ दें, ताकि आयशा वेलफेयर ऐसे सेंटर हर जगह कायम कर सके। और मैं यही कहूंगी कि प्लीज रमजान आ रहे हैं, अपना जकात फितरा सदका खैरात आयशा वेलफेयर को दें, और आयशा वेलफेयर का जो नंबर है 0312-1332-736, तो प्लीज प्लीज बस मैं आपसे यही कहूंगी कि आयशा वेलफेयर के साथ दें, और अगर मुतमईन हो तो दें, और मुतमईन होने के बाद भी आपने जो दिया है फिर भी आपको लगता है तो आयशा वेलफेयर पे आपका कर्जा है, आप मुझसे आकर वापस ले जा सकते हैं। तो जी नाज़रीन, बिल्कुल कंप्लीट आपने प्रोग्राम देखा आयशा वेलफेयर की जानिब से। हर साल की तरह इस साल भी जो बच्चियाँ उनसे हुनर सीख के कामयाब हो जाती हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए उन्हें अवार्ड दिए गए, और इसके साथ साथ जो मीडिया कोऑर्डिनेटर उनको भी अवार्ड दिए गए, और कंप्लीट आपको हमने दिखाया। उम्मीद करें ये वीडियो पसंद आई होगी। उसी के साथ दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।